हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर टेकिंग इक्वेशन। देखिए इक्वेशन का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बताया था जब रेशियो बन जाता है तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखेंगे जब इक्वेशन में रेशियो नहीं बनता है तब कैसे सॉल्व करते हैं। मैं कहना चाहूँगा पहले तो जो पहला वीडियो के बाद मैं दूसरा वीडियो रेशियो वाला नहीं लेके आ पाया तो उसके लिए सॉरी। और चलिए पहले तो थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि पिछले वीडियो हमने क्या सीखा था और फिर इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन जब रेशियो नहीं बनता है तब कैसे सॉल्व करें। देखिए इक्वेशन कहाँ कहाँ बनती है। इक्वेशन बहुत जगह बन जाती है, जैसे स्ट्रीम एंड बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस में इक्वेशन बन जाती हैं और बहुत सारी जगह हैं जहाँ इक्वेशन बन जाती है। हमको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है जहाँ हम टाइम टेकिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से इक्वेशन सॉल्व करेंगे और थोड़ा जल्दी होगा। चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। ठीक है, चलिए कोई इक्वेशन लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा कि 2x प्लस क्या था 3y इक्वल टू 7। ठीक, दूसरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 14। अब आपके पास दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आप तो वैसे सॉल्व करोगे इसको को मल्टीप्लाई करके। फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है इस इक्वेशन सॉल्व करें। जब रेशियो बनता है तब क्या करते हैं। देखिए पहले तो हम रेशियो बनाते हैं राइट हैंड साइड पर, इस साइड पर देखते हैं कितने का रेशियो बन रहा है। तो कितने का रेशियो बन रहा है, 7/14 है, ये बन रहा है 1/2 का रेशियो। तो जैसे ही राइट हैंड साइड पर जो रेशियो बन रहा है उधर हम लेफ्ट हैंड साइड पर वही रेशियो ढूंढते हैं। अगर हमें मिल जाए तो हमारी बात बन जाती है। अब यहाँ 2/3 है, नहीं बन रहा है, ये 3/6 है, ये बन सकता है। यहाँ पे देखिए 3/6 है, 3/6 तो मतलब क्या रेशियो, 1:2 का रेशियो बना। ठीक है, तो ये रेशियो और ये रेशियो मैच कर गया। जैसे ही यहाँ ये रेशियो मैच कर गया हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रेशियो मैच करते हैं। जैसे ही मैच करता है वैसे दूसरी ये मैच कर गया तो x ऑटोमेटिकली x इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहली चीज़, जैसे ये 0 हो गया y की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। आगे दो इक्वेशन की दो वैल्यू, सिंपल, ना पेन रखा ना कागज़ का इस्तेमाल, सीधे आप कर सकते हैं। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इतना। अब देखिए जब इक्वेशन में जब इधर रेशियो बनता है इधर रेशियो हमको नहीं मिलेगा, इस साइड हमें लेफ्ट साइड रेशियो नहीं मिलेगा, तब कैसे मतलब ट्रिक लगाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए देख लेते हैं। अगर चलिए भाई इक्वेशन ले लेते हैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था 7 था, और यहाँ पे 3x प्लस 6y था, हम यहाँ 4y ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है 14। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब वापस पहला फंडा हमारा क्या था, पहले हम अपना रेशियो देखेंगे। तो यहाँ 7/14 है तो 1:2 का रेशियो बन जा रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ये 1:2 का रेशियो है नहीं है, ये 1:2 का रेशियो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे वो रेशियो वाला फंडा यहाँ नहीं लग पाएगा, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए गौर से देखिएगा, हम निकाल रहे हैं x, सिंपल देखिए 14 इंटू 3, समझिए इस पकड़ा का समझ आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा 4 इंटू 7, ठीक है, ये है राइट साइड का, इस साइड का। अब इसी तरह लेफ्ट साइड से उठाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से इधर राइट से लेफ्ट साइड से अपॉन 3 इंटू 3, 4 इंटू 2। देखिए ये इतना से बताया, ये आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको लग रहा है ये हो गया 42 माइनस 28, ऊपर आ गया, नीचे आ गया 9 माइनस 8, ये आ गया 14। एक्स की वैल्यू 14 आ गई, एक्स इक्वल टू 14। ठीक है, एक्स की वैल्यू 14 आ गई तो यहाँ किसी इसी इक्वेशन में रख देते हैं, पहले इक्वेशन है। तो 2 इंटू 14 प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -7 आ जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल ट्रिक थी। एक क्वेश्चन और लेंगे,
पहला प्रोसीजर 14 थ्रीजा 42, ठीक है, माइनस 28, ठीक है, अपॉन 9, 3 × 9 माइनस 4 × 8। आप ऐसे ओरली कर सकते हो, क्या आ जाएगा 14/1, एक्स इक्वल टू 14। ये थोड़ा सा लंबा लेंदी इसलिए लगा क्योंकि मैंने समझाया है आपको। चलिए एक और लेंगे क्वेश्चन और उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक इक्वेशन और ले लेते हैं, 2x + 3y = चलिए 10 ले लेते हैं, और दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं 5x + 5y = 20। अब देखिए यहाँ ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, पहली ये दूसरी है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इधर बन रहा है 1:2 का रेशियो, इधर 1:2 का रेशियो नहीं बन रहा है, तो वो पहला जो फंडा हमारा वो फेल हो जाता है। अब दूसरे फंडे सब अपनाएंगे। देखिए मैं इसको शॉर्टकट सीधे करूँगा, कितना हुआ 60, ठीक है, कितना हुआ 50 - 50 अपॉन ये छोर हो गया, अब ये वाला छोर पकड़ेंगे, 5 × 3 = 15 - 5 × 2 = 10, क्या आ गया 10/5 और 2। देखिए अब लग रहा है आपको ये ट्रिक है, कैसे आपने सॉल्व कर लिया दोनों बेटे। जैसे ही आपका 5 का 2 आ गया, यहाँ 2 रखिए, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर रख दिया तो ये हो गया 4 प्लस 3y = 10 है, ये हो गया 4, 3y = 6 क्योंकि 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, y = 2। कितना सेकंड लगा, हार्डली 10-15 सेकंड में आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई, है ना इजी। देखिए ये फंडा अपनाइए और इससे आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जाते सीधे एग्जाम में जाके करिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए इस फंडे की, तो आप एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। चलिए एक लास्ट एक इक्वेशन और ले लेते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। देखिए 3x + 2y = 13, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा लेते हैं 4x + चलिए ले लेते हैं 7 = 26, ठीक, थोड़ा सा हेल्दी ले लेते हैं कि आपको थोड़ा सा लगे कि वजन है इस इक्वेशंस में। देखिए दो इक्वेशंस है, यहाँ 1:2 का रेशियो बन रहा है, लेकिन 1:2 का रेशियो, देखिए यहाँ कुछ भी बने, कोई भी रेशियो बने, वो रेशियो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ढूंढिए, अगर मिल जाता है तो वो पहला फंडा लगा लीजिए, अगर नहीं लिखता है तो ये दूसरा वाला फंडा। चलिए अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक्स निकालेंगे, पहले क्या करते हैं येला छोर पकड़ते थे, 26 × 2 = कितना होता है 52, ठीक, माइनस 7 × 13 = कितना होता है 91। अभी छोर हो गया, यला छोर पकड़ेंगे, 4 × 2 = 8 माइनस 7 × 3 = कितना होता है 21, ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे तो यह आएगा -39/-13, कितना आ गया, यह आ गया 3। देखिए x = 3 आ गया, 5-10 सेकंड लगे। अब x = 3 यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस 2y = 13, 9 इधर जाएगा तो 2y = 4 और y = 2। ओरल आप ओरली आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इतना हैक्टिक नहीं है, इक्वेशंस बनती हैं इस तरह सॉल्व करने की कोशिश की आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हमारे चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।